Now we are going to start chapter 3, playing with numbers. First of all, जो सबसे पहला आपका टॉपिक है that is factors. Factor क्या होता है? अगर आपके पास you have any number, suppose 4 is a number. जितने नंबर्स 4 को डिवाइड करेंगे विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, ओके? इफ यू हैव एनी नंबर 4, द नंबर्स विच कैन डिवाइड 4 विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, लाइक इफ आई डिवाइड बाय 1, 4 वन्स अ 1, 4s अ 4, नो रिमाइंडर, दैट मींस 1 इज अ फैक्टर फॉर दिस नंबर, ओके? इफ आई डिवाइड बाय 2, again I don't get any remainder, so 2 is also a factor of this number. If I divide by 3, 3 ones are 3, 1 is a remainder. So 3 is not a factor for this number. Okay. If I divide by 4, 4 ones are 4, 0. So again 4 is the फैक्टर फॉर दिस नंबर. तो जितने नंबर्स आपको रिमाइंडर में जीरो देंगे, दैट मींस व्हेन यू हैव नथिंग इन योर रिमाइंडर, दोज ऑल नंबर्स विल बी फैक्टर्स ऑफ 4. ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या फाइंड किया, 1 इज अ फैक्टर, 2 इज अ फैक्टर, 4 इज अ फैक्टर. ठीक है, अभी इसको हम डिफाइन फॉर्म में लिखेंगे जो हमने यहाँ पे अभी सीखा. जितने नंबर्स विदाउट रिमाइंडर गिवन नंबर को डिवाइड करेंगे वो सारे उसके फैक्टर्स होंगे. सो लेट अस राइट द डेफिनेशन फॉर फैक्टर. दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन फैक्टर्स एंड मल्टीपल, सो फैक्टर टर्म शुड बी क्लियर टू यू. A factor of given number is an exact divisor of that number. कोई भी जो factor है वो उसको exactly divide करेगा. Now exact divisor here means what is the meaning of exact divisor? Write here on side. What is the meaning of exact divisor? It means no remainder is found when we divide. जब हम divide करें उस number को factor के साथ, तो remainder कुछ भी ना बचे, नो रिमाइंडर, और यू कैन राइट जीरो रिमाइंडर, बोथ आर करेक्ट. व्हेन यू गेट जीरो एज रिमाइंडर देन यू से दैट नंबर इज डिवाइजर फॉर द गिवन नंबर. नाउ वी विल राइट सम की पॉइंट्स अबाउट दिस टर्म फैक्टर. One is a factor of every number. इस फैक्टर के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हम लिखने वाले हैं. कोई भी आप नंबर लिखोगे वन उसका फैक्टर श्योरली होगा. वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. फर्स्ट की पॉइंट फॉर दिस term factor. Second, every number is a factor of itself. Every number is a factor of itself. Like आपने अभी मैंने आपको explain किया था कि जो 4 है उसके factors बने थे 1, 2 and 4. पहला की पॉइंट कहता है कि कोई भी आप फैक्टर्स लिखोगे किसी नंबर के तो 1 उसमें श्योरली आएगा. देखा आपने हमारी एग्जांपल में हमें 4 के फैक्टर्स में 1 मिला था.
सेकेंड लिखा है एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, मींस हर नंबर खुद का ही फैक्टर है, ठीक है, हर नंबर का फैक्टर वो खुद है। देखो 4 का फैक्टर 4 ही बना था, ठीक है, तो 2 फैक्टर तो आपको श्योरली हो गए। कोई भी आप नंबर लिखो, अगर आपको 8 के या 6 के फैक्टर्स लिखने हैं तो 2 नंबर्स, 2 फैक्टर्स आपको सीधा मिल जाएंगे, एक तो 1 और एक 6, बाकी आप फाइंड कर लोगे कौन कौन से और नंबर्स हैं जो 6 को डिवाइड कर सकते हैं। 2 कैन डिवाइड एग्जैक्टली, 3 कैन डिवाइड एग्जैक्टली, तो 2 नंबर हर बार आएंगे, एक तो 1 जरूर आएगा हर एक के फैक्टर्स में, एक वो नंबर खुद जरूर आएगा, लाइक 4 के फैक्टर में 4 आया, 6 के फैक्टर में 6 आया, 13 के फैक्टर में 13 आएगा, 30 के फैक्टर में 30 आएगा। नेक्स्ट इज एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर, एवरी फैक्टर इज less than or equal to the given number। इसका मतलब क्या है कि जितने भी फैक्टर होंगे, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू, या तो वो स्मॉलर होंगे या वो इक्वल होंगे। ये देखो जितने भी इसके फैक्टर्स हैं, या तो वो 6 से छोटे हैं, 1 2 3, ये 6 से छोटा है, या वो 6 खुद बन गया, मींस वो इक्वल हो गया 6 के, या तो हर एक फैक्टर जो 6 का है वो 6 से छोटा होगा, 4 के फैक्टर देखो 1 2 4, 1 और 2 4 से छोटे हैं, और या फिर वो खुद हो जाएगा, इटसेल्फ हो जाएगा, मींस इक्वल हो जाएगा 6 के इक्वल 6, 4 के फैक्टर में 4। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट। क्या लिखा, फाइनाइट, एक दिन पहले भी मैंने ये टर्म यूज की थी और आपको बताया था, फाइनाइट होता है काउंटेबल, जिसको आप काउंट कर सकते हो, जो इसके फैक्टर्स हैं इनको आप काउंट कर सकते हो, कि 2 फैक्टर्स है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये एंडलेस नहीं होते, इनको आप काउंट कर सकते हो, ठीक है, जो फैक्टर्स हैं वो इतने को होंगे कि आप उसको इजीली काउंट कर लोगे कि मैम इसके 6 फैक्टर्स हैं, मैम इसके 2 फैक्टर्स हैं, मैम इसके 10 फैक्टर्स, सो इसको फाइनाइट भी लिख सकते हो और काउंटेबल भी लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज मल्टीपल, अब आप सेकेंड टर्म करने वाले हो, दैट इज मल्टीपल। सबसे टॉप पे बेटे की पॉइंट्स लिख लेना, हेडिंग नहीं हमने लिखा था ना, स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर यू कैन राइट की पॉइंट्स, बिकॉज आई विल गिव यू दिस होमवर्क टुडे कि आप की पॉइंट्स लर्न करोगे, ये आपको लर्न होने चाहिए, बिकॉज ये ब्लैंक फॉर्म में आ सकते हैं, ये क्वेश्चन फॉर्म में भी आ सकते हैं। ओके, लाइक हाउ मेनी फैक्टर्स कैन यू फाइंड फॉर अ गिवन नंबर, यू विल राइट फाइनाइट और यू कैन राइट काउंटेबल। ओके, ब्लैंक फॉर्म में कैसे आएगा, डैश इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। अब है मल्टीपल्स क्या होते हैं, जब आप किसी नंबर को 1 2 3 4 10 100 1000 करोड़ किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका मल्टीपल बन जाएगा, ठीक है, वी गेट मल्टीपल्स बाय मल्टीप्लाइंग द गिवन नंबर by any number।
आप गिवन नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको उसके मल्टीपल्स मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ देयर आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट मल्टीपल। मल्टीपल के भी कुछ खासियत है और उसके बारे में हम अभी बताएंगे। पहले एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन करती हूँ कि मल्टीपल्स आप फाइंड कैसे कर सकते हो। मैंने तो लिख दिया किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो उसको करके दिखाते हैं कि कैसे। लाइक अगर आपके पास एक नंबर है 3 के आप लिखने वाले हो मल्टीपल्स, ठीक है, मल्टीपल्स of 3 you are going to write. 3 को 1 से multiply कर दो, you will get 3. 3 को 2 से कर दो, so 6. 3 से कर दो, 9, 12. In general, आप उसका table लिख सकते हो. लेकिन ये नहीं है कि आप आपने 3, 10 तक 30 लिख दिया तो stop हो गया. इसके बाद 3 को 11 से कर दो, 3 को 19 से कर दो, 3 को 100 से कर दो, 3000 आ जाएगा. लैक से कर दो तो उससे भी बड़ा नंबर आ जाएगा। तो जिस भी नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई करते जाओगे उतने ही मल्टीपल्स आपको मिलते जाएंगे। अगर एक मल्टीपल चाहिए तो आप सिंगल नंबर कोई भी चूज कर लो और उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आपने जितने भी इसको मल्टीप्लाई करते जाओगे नंबर से उतने ही आपको इसके मल्टीपल्स मिलते जाएंगे। आप 10 मल्टीपल्स फाइंड कर लो, 100 कर लो, 1000 कर लो, करोड़ में कर लो। अभी इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो हम लिखेंगे। एवरी मल्टीपल ऑफ वन नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। एवरी मल्टीपल ऑफ अ given number is greater than or equal to that number. जितने भी इसके मल्टीपल्स हैं वो या तो नंबर से बड़े होंगे या वो खुद नंबर जितने ही होंगे। लाइक 3 के मल्टीपल्स में इक्वल टू 3 आ गया, बाकी सारे नंबर इससे क्या है 3 से बड़े। तो आपको ये पता चल गया कि जितने भी इसके मल्टीपल्स हैं या तो वो खुद नंबर होगा या फिर वो उससे बड़े नंबर्स होंगे। फैक्टर में क्या लिखा था, या वो खुद नंबर होगा या वो उससे छोटे होंगे। मल्टीपल्स में उतना उल्टा होता है, इसमें या तो वो नंबर खुद होगा और बाकी जितने भी मल्टीपल्स है वो उससे ग्रेटर होंगे। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ अ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर आर इनफाइनाइट। Number of multiples of a given number are infinite. यहाँ लिखा था finite और यहाँ लिख दिया infinite. अब infinite क्या हुआ? Finite का उल्टा। That means ये countable था and it is अनकाउंटेबल। इसको आप काउंट ही नहीं कर सकते, इतने सारे होते हैं, बहुत ही ज्यादा। इसका जो नंबर है मल्टीपल्स का वो एंडलेस है। ये देखो 3 से शुरू किया, अगर आप लाख से मल्टीप्लाई करोगे तो लाख में आ जाएगा, करोड़ से करोगे तो करोड़ में आ जाएगा। नंबर्स भी बढ़ते जाएंगे तो मल्टीपल्स भी बढ़ते जाएंगे। सो इसका जो काउंट है हम उसको, जो इसका नंबर है हम उसको काउंट नहीं कर सकते, दैट इज अनकाउंटेबल, बहुत ही बड़ा है। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर खुद का ही मल्टीपल है। देखो 3 का मल्टीपल खुद 3 है, या तो वो खुद 3 होगा या उससे बड़े नंबर्स हो सकते हैं, उससे छोटा कभी भी उसका मल्टीपल नहीं होगा। तो एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, हर नंबर खुद का मल्टीपल है।
जितने भी उसके मल्टीपल्स हैं या तो वो खुद 3 होगा या उससे बड़े होंगे, और जो इसका नंबर ऑफ मल्टीपल्स का काउंट है वो अनकाउंटेबल है, उसका जो नंबर है वो हम काउंट नहीं कर सकते, दैट इज इनफाइनाइट. आई होप इट इज क्लियर टू यू. यू हैव टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स इन योर माइंड. ये सारे की पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए. आपको ब्लैंक फॉर्म में आ सकता है, ओके, क्वेश्चन फॉर्म में आ सकता है. Now what we'll have do, we will do, now we will start exercise 3.1. You finish it, hurry up. Jaldi se finish kar lo pehle. एक और चीज याद रखना, जब भी आप फैक्टर फाइंड करोगे तो सारे नंबर्स उससे छोटे होंगे, और जब भी आप मल्टीपल्स फाइंड करोगे तो सारे जो आंसर्स है उससे बड़े होंगे. ओके, सो पहला हम क्वेश्चन कर रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ. आपको पहले 5 मल्टीपल्स लिखने हैं. ए पार्ट इज 5, बी पार्ट इज 8 एंड सी पार्ट में नंबर गिवन है 9. ये बात ध्यान रखना कि जब लिख के आएगा फर्स्ट 5 तो मतलब कि पहला जो मल्टीपल है वो खुद 5 होगा, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करना है. फर्स्ट 5 मींस 1 से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करोगे, 1, 2, 3, 4, 5. इसमें आप स्किप नहीं कर सकते. अगर लिखा हो राइट एनी 5 मल्टीपल्स ऑफ 5, आप 5 के कोई भी 5 मल्टीपल्स लिख दो, 8 के कोई भी 5 मल्टीपल्स लिख दो, 9 के कोई भी 3 मल्टीपल्स लिख दो, तो फिर आप चाहे 9 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 100 से करो, लाख से करो, आपकी विश. बट अगर फर्स्ट लिखा है दैट मीन्स आप 1 से ही स्टार्ट करोगे मल्टीप्लाई करना. तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट 5. 5 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट 10. 3 से करिए 15, 4 से करिए 20, 5 से करिए 25. तो अगर फर्स्ट 5 लिखा है तो फर्स्ट मतलब 1 से स्टार्ट करना है मल्टीप्लाई करना, 1, 2, 3, 4, 5. अगर वर्ड लिखा हो नेक्स्ट, नेक्स्ट का मतलब समझते हैं, नेक्स्ट मतलब अगला, फर्स्ट को छोड़ दो आगे से, मीन्स फिर आप 5 नहीं लिखोगे, 10, 15, 20, 25, ये तो 4 हुए, तो फिर आप एक और लिखोगे क्योंकि आपको 5 लिखने हैं, 30. इज इट क्लियर? अगर वहां पे लिखा है राइट नेक्स्ट 5 मल्टीपल्स, अगले 5 मल्टीपल्स लिखो, मतलब 5 तो खुद लिखा हुआ है, इसके अगले 5 लिखो, तो आप 5 टूज स्टार्ट करोगे, 5 टूज 10, 15, 20, 25, 30, हो गए 5, तो खत्म हो गया. बट यहाँ क्वेश्चन में लिखा है फर्स्ट 5, तो हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, 8 के 5 मल्टीपल्स लिखिए, फर्स्ट से स्टार्ट करना है. 1 is 8, 2 is 16, 3 is 24, 4 is 32, 5 is 40. नेक्स्ट इज 9 के मल्टीपल्स लिखने हैं आपको, और 9 के मल्टीपल्स भी 1 से स्टार्ट करिए. So, पहले 5 मल्टीपल्स 9, 18, 27, 36, 45. हियर क्वेश्चन कंप्लीट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर्स. ऑल लिख दिया, ये नहीं लिखा 2, 3, 4, 5, सारे के सारे फैक्टर्स फाइंड करने हैं जितने भी उसके हो सकते हैं. राइट ऑल द फैक्टर्स. अब फैक्टर्स याद आया क्या था जो उसको डिवाइड करे विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर.
ऑल द फैक्टर्स, अब सारे फैक्टर्स फाइंड करने हैं. सो लेट अस स्टार्ट. एंड वी आर गिवन नंबर्स. फर्स्ट नंबर इज 24, सेकेंड नंबर इज 15, थर्ड नंबर इज 21, फोर्थ नंबर इज 27. सारे के सारे फैक्टर्स लिखिए. वन से स्टार्ट करेंगे. क्या वन को 24 डिवाइड करता है तो कोई रिमाइंडर बचेगा? नो. तो वन फैक्टर है. टू को आप डिवाइड करोगे 2 से 24 को तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा. ये देखो 24, 2 1 2, 2 2 4, सो नो रिमाइंडर. जहां पे कोई रिमाइंडर ना बचे तो आपने इसको फैक्टर में लिख देना है. 3 से करते हो, यस 3 8 24 होता है तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा. 4 6 24 होता है तो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है. 5 नहीं डिवाइड करेगा क्योंकि ऑड नंबर है और ये एक इवन नंबर है. 6 4 24, 6 भी हो गया. 7 8 8 3 24 होता है तो 8 भी होगा. 9 10 मीन्स आप चेक कर रहे हो किस किस टेबल पे ये आ रहा है. ठीक है, जैसे 2 के टेबल पे आ रहा है, 3 के टेबल पे आ रहा है. अभी आप 8 पे पहुंच इसको एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता. 9 के टेबल में नहीं आएगा, 10 में नहीं आएगा, 11 में नहीं आएगा, 12 के टेबल पे आएगा. 12 2 24, देन 13 नो, 14 15 16 17 18 नो, 19 नो. तो फिर आपने इसको क्या किया, 20 पे चेक किया, नहीं आया. 21 2 3 24 पे आएगा क्योंकि 24 1 24 होता है. तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो इसमें, आप एक को लिख रहे हो 1 क्योंकि आपको बताया था कि दो फैक्टर्स तो पक्का होंगे, एक तो 1 होगा एक 24 होगा. ये दोनों लिख लिए. एक शॉर्टकट बता रही हूँ, 1 और 24 लिख लिए. अब 12 का कर दो हाफ, इसका हाफ होते 12 तक आप सारे टेबल्स चेक करो. ठीक है, 1 और 24 लिख दो और इसका हाफ करो 12 तक आप सारे नंबर्स चेक करोगे. जिन जिन नंबर्स में, जिन जिन टेबल्स में ये आ रहा है 12 तक के टेबल्स में, उन उन टेबल्स को यहाँ लिख दो. ठीक है, नेक्स्ट इज 15. अभी इसमें 1 तो पक्का आएगा और 15 पक्का आएगा क्योंकि आपने प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि दो नंबर्स, दो फैक्टर्स तो पक्का होते हैं, एक नंबर इटसेल्फ और एक 1. और अब इसके 15 का हाफ कर दो, 7 समथिंग होगा, 7.5 होगा. तो हम 7 तक के टेबल्स में चेक करेंगे. क्या ये 2 पे आ रहा है? नो. 3 पे आ रहा है? 4 पे आ रहा है? नो. 5 पे आ रहा है? यस. 5 3 15 होता है. 6 पे नहीं आ रहा, 7 पे नहीं आ रहा, हमने 7 तक चेक करने हैं. तो हमारे पास ये 4 नंबर्स है. ठीक है, 4 हैं इसके फैक्टर्स. नेक्स्ट इज 21. अब 21 के भी 2 तो पक्का होंगे, 1 और 1 21 दो हो गए. अभी 20 का हाफ कर दो 21 का, मीन्स ये 10 समथिंग होगा. ठीक है, तो 10 तक हम चेक करेंगे. 10.5 होगा ना इसका हाफ, तो 10 तक चेक करेंगे. यस, 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 पे आएगा, 4 पे नहीं, 5 पे नहीं, 6 पे नहीं, 7 3 21, 8 पे नहीं, 9 पे नहीं, 10 पे ही आएगा. ठीक है, 10 पे नहीं आएगा. तो इसके 4 हैं फैक्टर्स. नेक्स्ट इज 27. का भी दो फैक्टर तो पक्का होंगे, 1 और 27. 27 का हाफ करो तो वो होगा, जैसे 26 का कर लो क्योंकि ऑड नंबर है ना, तो 27 का हाफ नहीं हो सकता. 26 का कर लो, 13 तक के टेबल्स में चेक करेंगे. यस, 2 पे नहीं आएगा, 3 पे आएगा, 4 5 6 7 8 9 10 पे आ रहा है, 10 11 12, तो ये और किसी नंबर में नहीं आ रहा. ठीक है बेटे, 2 हो गए ये क्वेश्चंस. नेक्स्ट इज समवन इज रेजिंग हैंड, आई एम गोइंग टू आस्क देम. ओके, एक तो प्रीति मैम, मैम यू आर होस्ट नाउ. अनमोल, डू यू वांट टू से समथिंग? अनमोल, अनम्यूट योरसेल्फ. यस, नाउ इज क्वेश्चन नंबर 2. Yes, and hold.
कुछ कहना है आपको? One more, you have raised your hand. Nothing. Okay, let us move further. अभी है नेक्स्ट फाइव नंबर्स लिखे हैं बोर्ड पे 12, 20, 18, 23 and 33 ये पांच ही नंबर रह गए हैं. इनके भी फैक्टर्स फाइंड करते हैं. विल यू हेल्प मी इन फाइंडिंग? प्लीज अनम्यूट वन बाय वन. मैम प्लीज अनम्यूट द चाइल्ड हु इज रेजिंग हैंड. प्लीज टेल मी व्हाट कैन बी द पॉसिबल आंसर्स, पॉसिबल फैक्टर्स फॉर द गिवन नंबर्स. सबसे पहले दो हम फैक्टर्स कौन से लिखेंगे 12 के? विच टू नंबर्स कैन वी राइट फॉर 12? यस पहले दो नंबर्स जो मैंने बोला था जो श्योरली आते हैं हर एक फैक्टर में वो कौन से दो नंबर्स? वेरी गुड, 1 and 12 बेटे. 1 और वो नंबर खुद. यस अभी अनमोल ने बताए हैं दो नंबर. तो बेटे पहले चेक कहाँ तक करना है? इसका हाफ करो. क्या हुआ इसका हाफ? इसका हाफ क्या हुआ? 6 तक सारे नंबर्स चेक करेंगे. 2 से डिवाइड करोगे क्योंकि 2 के टेबल में आता है तो कोई रिमाइंडर नहीं रहेगा. 3, 4, 5 पे नहीं आएगा. 6 यस 20. नाउ 20 हु विल टेल फॉर 20? एनी चाइल्ड बेटे वन बाय वन. यस 1 to 1 और 8. वेरी गुड. और कहाँ तक चेक करेंगे? इसके हाफ. हाफ क्या होगा इसका 20 का हाफ? 10. 10 तक चेक करेंगे. एनी अदर चाइल्ड प्लीज म्यूट योर सेल्फ. एवरी वन विल नॉट स्पीक. फॉर 18 कैन यू टेल मी? जिसका मैम जिसको अनम्यूट करे वो वही बोलेगा. हाँ जी 18 यस. इसका हाफ करिए. What is half of 18? 9 तक सारे नंबर्स चेक करोगे. 2 पे आएगा. Will 2 be the factor? प्रीति मैम प्लीज स्पीक द नेम ऑफ चाइल्ड जिसको आपने अनम्यूट किया है उसका नेम बताना. ये दो तीन बच्चे इकट्ठा बोल रहे हैं. आई एम नॉट एबल टू जज ही कौन है जिसका. बेटे मैम नेम ले रहे हैं प्रीति मैम बस वही अनम्यूट करेगा. जैस्मिन कौर विल आंसर ओनली नॉट अदर चाइल्ड. यस जैस्मिन यस जैस्मिन डू यू वॉन्ट टू आंसर? यस 2 and 9. वेरी गुड बेटा. वेल डन. For 23, raise your hands. For 23, raise your hand and ma'am will unmute you. Ma'am, उस बच्चे का नाम ले देना ताकि उसको भी क्लियर हो जाए. तरन. यस तरन. यस बेटे 23. यस और इसका हाफ करिए. 23 और नंबर है हाफ नहीं हो सकता. एक पीछे चले जाओ 22 का हाफ है 11. दैट मींस आप 11 तक के सारे नंबर्स चेक करो. किसी में आ रहा है ये? किसी और नंबर में जिस नंबर पे ये डिवाइड करो और रिमाइंडर जीरो आए. इज देयर एनी नंबर कैन यू फाइंड 23 किसी टेबल पे आ रहा है? अगर कोई नंबर किसी टेबल पे आता है तो दैट मींस उसका आपका रिमाइंडर जीरो ही आएगा. तो आप टेबल्स चेक कर सकते हो. कैन यू फाइंड एनी टेबल तरन? मिला कोई टेबल? नो. वेरी गुड. ये किसी भी टेबल में नहीं आएगा और क्योंकि एक प्राइम नंबर है. प्राइम नंबर सिर्फ 1 और अपने टेबल में ही आते हैं. नेक्स्ट फॉर 36 एनीवन हु कैन आंसर फॉर 36? यस 36 के लिए कोई आंसर करेगा? बी क्विक. यस हरी अब बेटा. एनी चाइल्ड? नहीं पहले आप वो नंबर्स लिखोगे जो मैंने बताए हैं. 1 और 36. इसका हाफ क्या होगा? 36 का हाफ क्या होगा बेटा? 18 तक सारे नंबर्स चेक करिए. यस 2
और यस थ्री वेरी गुड यस फोर वेरी गुड यस नेक्स्ट नेक्स्ट यस नेक्स्ट नंबर वेरी गुड 12 नेक्स्ट नेक्स्ट वेरी गुड बेटा 18 12 के टेबल पे 3 पे आएगा 12 3 इज द 36 18 2 इज द 36 सो इट इज ओवर हियर नाउ लास्ट क्वेश्चन यस 9 स्किप हो गया वेल डन किसने बताया ये 9 वेरी गुड यशिका हाँ जी यस बेटे क्या लिखा है हाँ फोर मिस हो गया यस फोर आएगा बिल्कुल ठीक है 4 5 20 कहाँ पे वेरी गुड वेल डन किसने बताया ये नेम बोलो वेरी गुड यशिका द ओनली चाइल्ड हु इज अटेंडिंग इन द क्लास क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड ऑल द मल्टीपल्स नाउ यू विल नॉट अनम्यूट योरसेल्फ ओके ये मैम करवाएंगे ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100 पता है क्या होता है अप टू का मतलब मींस 100 तक 100 तक जितने भी मल्टीपल्स आ रहे हैं 9 के सब लिख दो ठीक है तो हम 9 के मल्टीपल्स लिखना शुरू करते हैं जब हम 100 पे पहुंच जाएंगे उसके आगे नहीं जाएंगे 100 से पीछे पीछे तक लिखने हैं ओके मल्टीपल्स ऑफ 9 9 वंस मल्टीपल्स कैसे आते हैं मल्टीप्लाई करके पहला मल्टीपल होगा जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे फिर 18 2 से करो मल्टीप्लाई 27 36 45 54 नेक्स्ट 63 देन यस 99 वेरी गुड इसमें 9 और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा